Welcome to the physics class. Today the topic is electric field. First of all, we will discuss that what is an electric field. Actually, electric field वो region होता है, ये वो space होती है किसी charge के surrounding में, जिसके लिहाज से एक charge दूसरे charge के ऊपर कोई भी एक electrostatic force exert करता है. वो जितने region में रह के दूसरे charge के ऊपर force of attraction या force of repulsion exert करेगा, उस रीजन को या उस स्पेस को हम इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम देते हैं. जस्ट लाइक अगर हम यहाँ पे कोई एक चार्ज कंसिडर करें, लेट्स सपोज हमारे पास कोई एक स्पेसिफिक चार्ज है, हमने यहाँ पे एक चार्ज कंसिडर कर लिया, लेट्स सपोज ये कोई एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है. तो ये चार्ज अपनी सराउंडिंग में, जो इसके आस पास सराउंडिंग में जितना इसके पास रीजन है, जो इसके पास स्पेसिफिक एक रीजन है, उस रीजन के सराउंडिंग में ये एक फील्ड क्रिएट कर लेता है. जैसा कि अगर हम इस चार्ज को कंसिडर करें, तो ये हमने एक स्पेसिफिक रीजन ड्रॉ किया है, और ये रीजन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रीजन ये बता रहा है कि यहाँ पे इस सारे रीजन में कुछ हद तक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगी. और हम ये कंसिडर करेंगे कि अगर इस फील्ड को डिटेक्ट करना है या इस फील्ड को चेक करना है, तो इसको चेकिंग के लिए हम एक और स्पेसिफिक चार्ज, जिसको हम टेस्ट चार्ज का नाम दे सकते हैं, वो टेस्ट चार्ज क्या करेंगे, हम इस रीजन के करीब ले आएंगे. जस्ट लाइक ये एक कोई टेस्ट चार्ज है, ठीक है. अब ये टेस्ट चार्ज जब तक इस रीजन से बाहर होगा, तो इसके ऊपर कोई फोर्स एग्जर्ट नहीं होगी. लेकिन जैसे ही क्या होगा कि ये इस रीजन में आएगा, यानी किसी एक एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू हम इसको इस रीजन के अंदर लेके आएंगे, तो उससे क्या होगा, जैसे ही वो इस फील्ड के अंदर आएगा, तो इसके ऊपर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जर्ट होगी. इस टेस्ट चार्ज के ऊपर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जर्ट होगी. जब वो कहाँ पे मौजूद होगा, वो इस रीजन में प्रेजेंट होगा, तो वहां पे उसके ऊपर एक रिपल्सिव फोर्स एग्जर्ट होगी. और वो फोर्स किसकी वजह से है, वो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से है. तो जैसे ही इसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जर्ट होगी, वो फोर्स क्या करेगा, इस चार्ज को, इस टेस्ट चार्ज को उस रीजन से बाहर निकालने की कोशिश करेगा, अपने उस स्पेसिफिक रीजन से बाहर निकालने की कोशिश करेगा. तो ये जो एक स्पेसिफिक रीजन होता है, जिस रीजन में रह के एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर कोई भी एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आइदर इन द फॉर्म ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन वो एग्जर्ट करे, उस स्पेसिफिक रीजन को हम इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम देते हैं. अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होती है, ये एक्चुअली फोर्स की वजह से क्रिएट हुई है. इसको हम एक्चुअली नाम दे रहे हैं कि ये स्पेसिफिक फोर्स की वजह से, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का नाम दे रहे हैं, उस वजह से क्रिएट हुई है. इस वजह से हम इस फोर्स को फील्ड ऑफ फोर्स का नाम दे सकते हैं. हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ये जो फोर्स प्रेजेंट है, ये जो फील्ड प्रेजेंट है, ये किसी एक स्पेसिफिक फोर्स की वजह से आई है, जिसको हम नाम दे रहे हैं फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. दैट्स व्हाई दिस फील्ड इज आल्सो नोन एज द फील्ड ऑफ फोर्स. हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को, या ये जिस रीजन में प्रेजेंट होती है, उस रीजन को फील्ड ऑफ फोर्स का भी नाम दे सकते हैं. फील्ड ऑफ फोर्स का नाम हमने इसी वजह से दिया, बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रेजेंट है, एक चार्ज के लिहाज से दूसरे चार्ज के ऊपर जो एग्जर्ट हो रही है. अब ये जो फील्ड ऑफ फोर्स है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रीजन आ रहा है, ये जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज के लिहाज से प्रेजेंट होती है, वो किस चीज पे डिपेंड करती है, वो एक्चुअली दो चीजों पर डिपेंड कर रही होती है. एक तो हमने कहा कि किसी चार्ज के लिहाज से, चार्ज क्यू, पॉजिटिव चार्ज क्यू प्रेजेंट है, उसकी वजह से एक फोर्स क्रिएट होगी, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का नाम देंगे. अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इसको डिफाइन किया जाता है कि जितनी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसी भी टेस्ट चार्ज के ऊपर अप्लाई होगी, वो एक्चुअली डिफाइन करेगी उसकी फील्ड को. अब जितनी अमाउंट ऑफ चार्ज, सॉरी अमाउंट ऑफ फोर्स वहां पे एग्जर्ट हो रही है, उतनी ही ज्यादा वहां पे फील्ड प्रेजेंट है. इसका मतलब है, हम ये कह सकते हैं कि अगर फोर्स की अमाउंट मैक्सिमम होगी, तो ऑटोमेटिकली फील्ड की स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी. अब फोर्स को हमने डिस्कस किया है, हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जिसको हम यहाँ पे एफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये एक्चुअली कूलम फोर्स या कूलम लॉ के थ्रू जो हमारे पास फोर्स का रिलेशन आया था, हम उसको वहां पे कैलकुलेट कर चुके हैं कूलम लॉ में. और वो एक्चुअली किसके बराबर आता है, के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर की फॉर्म में. जब हम उसको यहाँ पे इस रिलेशन में इंसर्ट करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए, या इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्पेसिफिक रिलेशन होता है, जो उसकी क्वांटिटेटिव फॉर्म है, वो रिप्लेस होके कुछ इस फॉर्म में आ जाती है, जिसको हम कह सकते हैं k टाइम्स q, या k टाइम्स अमाउंट ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाय सेपरेशन डिस्टेंस का स्क्वायर, k q / r स्क्वायर की फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो ये तो थी हमारे पास जनरल रिप्रेजेंटेशन.
हम एक जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हम उसको किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, उसको अमाउंट ऑफ फोर्स की फॉर्म में किस तरीके से चेक कर सकते हैं। ये तो था हमारे पास जनरल इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। अब हमने कुछ अभी पीछे जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस किया तो वहां पे हमने एक फिगर मेंशन की, और उस फिगर में हमने ये लिया था कि अगर हमारे पास कोई एक चार्ज है, सॉरी एक कोई चार्ज मौजूद है, ठीक है, जिसके सराउंडिंग में ये उसकी फील्ड का रीजन है, ये इसका सारा फील्ड ऑफ फोर्स है, और उसके बाहर कोई एक टेस्ट चार्ज मौजूद है, ठीक है। अब ये दो चार्जेस है, क्योंकि फील्ड को चेक करने के लिए हमेशा दूसरे चार्ज की जरूरत पड़ेगी। उसको डिटेक्ट करने के लिए, उसको टेस्ट करने के लिए क्या होगा कि दूसरे चार्ज की जरूरत पड़ेगी। अब ये चार्ज हमने किस फॉर्म में लिया, हमने एक टेस्ट चार्ज लिया जिसको हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है क्यू नॉट की फॉर्म में, ठीक है। अब फील्ड किस वजह से क्रिएट हुई, फील्ड इस चार्ज की वजह से क्रिएट हुई जिसको हम क्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उसको चेक कौन कर रहा है कि यहाँ पे एक्चुअली अट्रैक्शन या रिपल्जन हुई है, किस लिहाज से हुई है, वो फील्ड की वजह से हुई है। तो उसको चेक करने के लिए हमने कौन सा चार्ज लिया, हमने क्यू नॉट लिया जिसको हम टेस्ट चार्ज का नाम दे रहे। तो यहाँ पे दो तरह के हमने चार्जेस को डिस्कस किया, टू टाइप्स ऑफ चार्जेस को हमने यहाँ पे लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कौन सा है, एक है हमारे पास चार्ज जिसको हम सोर्स चार्ज का नाम दे रहे हैं जो एज अ सोर्स ट्रीट होगा, और एक दूसरा चार्ज है जिसको हम एज अ टेस्ट करने के लिए, फील्ड को टेस्ट करने के लिए हम यूज करते हैं जिसको हम टेस्ट चार्ज का नाम देते हैं। तो सोर्स चार्ज एक्चुअली एक ऐसा चार्ज होता है जो सोर्स के तौर पे एग्जिस्ट करता है, या दूसरे लफ्ज में हम कहते हैं कि जिस चार्ज की वजह से फील्ड क्रिएट होती है उस चीज को हम सोर्स का नाम देते हैं, ये सोर्स चार्ज का नाम दिया जाता है। तो हम इस फिगर में क्या डिफाइन करेंगे, हम कहेंगे यहाँ पे ये जो प्लस क्यू की फॉर्म में हमने ये जो चार्ज लिया है जिसकी वजह से ये एक स्पेसिफिक रीजन क्रिएट हुआ था जिसको हमने ये इस फॉर्म में यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, तो ये चार्ज एक्चुअली कैसे बिहेव कर रहा है, ये एक सोर्स चार्ज के तौर पे बिहेव कर रहा है। और उसके सराउंडिंग में एक दूसरा चार्ज था जो कि इस फील्ड को टेस्ट कर रहा था। टेस्ट उसने कैसे किया, उसके करीब आया वो चार्ज, और वहां पे जब उस रीजन के अंदर आया तो उसके ऊपर एक फोर्स एग्जर्ट हुई। तो ये मींस ये चार्ज उसकी उस फील्ड को चेक कर रहा है, डिटेक्ट कर रहा है, टेस्ट करके बता रहा है। तो ये चार्ज क्या होगा, टेस्ट चार्ज कहलाएगा, यानी एक ऐसा चार्ज जो कि क्या करे, दूसरे चार्ज की फील्ड को डिटेक्ट करके बताए, या हम कहेंगे उसको टेस्ट करके बताए, उस चार्ज को हम टेस्ट चार्ज का नाम देते हैं, ठीक है। ये तो हो गया टेस्ट चार्ज का कॉन्सेप्ट। टेस्ट चार्ज को हम इस तरीके से भी लेते हैं कि एक्चुअली अगर हम इसको रियल चार्ज के साथ या ये इस चार्ज के साथ हम कंपेयर करें ना, तो ये चार्ज एक एक्चुअली अनरियल चार्ज है, ये एक इमेजिनरी चार्ज होता है जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता। जस्ट आप कह सकते हो कि ये एक इमेजिनरी चार्ज है जो कि जिसकी हम प्रॉपर फील्ड डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। टेस्ट चार्ज की फील्ड को डिफाइन नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसकी रीजन ये है कि एक इमेजिनरी चार्ज है, अनरियल चार्ज है। और जो दूसरा चार्ज है जिसकी वजह से फील्ड क्रिएट होती है, ये एक्चुअली एक रियल चार्ज होता है, ये एक प्रॉपर चार्ज होता है जिसकी वजह से फील्ड क्रिएट होती है, ठीक है। ये एक तो था प्रॉपर डिफरेंस कि हम टेस्ट चार्ज को सोर्स चार्ज के लिहाज से कैसे कंपेयर करते हैं। जनरली हमने दोनों को डिस्कस कर लिया। अब हम देखते हैं जी कि ये जो हमने फील्ड क्रिएट की है, हम इस फील्ड की स्ट्रेंथ को किस तरीके से यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। तो देखें जी, स्ट्रेंथ हमने पीछे डिस्कस किया कि वो जो स्पेसिफिक रीजन होता है जो एक चार्ज के गिर्द हमने कुछ देर पहले यहाँ पे ड्रॉ किया है, वो जो रीजन बनता है वो रीजन एक्चुअली फील्ड ऑफ फोर्स कहलाता है। अब वो फील्ड ऑफ फोर्स की वहां पे जितनी भी वहां पे आप कहोगे कि फील्ड प्रेजेंट है, उसकी स्ट्रेंथ को हम कैसे चेकआउट कर सकते हैं। तो हम उसकी एक्चुअली फील्ड को हम इस तरीके से चेक करते हैं कि एक चार्ज के ऊपर कोई भी हमारे पास पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी चार्ज है उसके ऊपर जितनी अमाउंट ऑफ कूलम फोर्स उसके ऊपर एग्जर्ट होगी, जितनी टोटल फोर्स उसके ऊपर एग्जर्ट होगी, और उसके ऊपर एग्जर्ट होने के बाद वो उसको उस टेस्ट चार्ज को अपने रीजन से बाहर निकालने की कोशिश करता है, उस चीज को हम उसकी स्ट्रेंथ का नाम देते हैं। अब जितनी मैक्सिमम फोर्स कूलम फोर्स उसके ऊपर अप्लाई होगी उतना ही क्या होगा, उसकी फील्ड भी ज्यादा होगी या फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। और फील्ड की स्ट्रेंथ को हम E इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज के लिहाज से कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, ये दो चीजों पर डिपेंड कर सकता है, अमाउंट ऑफ फोर्स और साथ ही साथ की चार्ज कितना है वहां पे, ठीक है। जनरली हम ये कहते हैं कि उस चार्ज की वजह से जितनी वहां पे कूलम फोर्स होगी वो डिफाइन कर देगी कि वहां पे स्ट्रेंथ एक्चुअली किस फॉर्म में आ रही है। अब ये जनरली तो हमने चेक कर लिया कि फील्ड की स्ट्रेंथ को किस तरीके से निकाला जाता है। अब फील्ड की डायरेक्शन कैसे होती है, हम फील्ड को किस तरीके से चेकआउट कर सकते हैं। तो जनरली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये एक इमेजिनरी फील्ड है,
जिसको जिसका कॉन्सेप्ट एक्चुअली दिया था माइकल फैराडे ने, और उसने ये बताया था कि चार्ज की सराउंडिंग में एक स्पेसिफिक रीजन जरूर प्रेजेंट होता है, एक इमेजिनरी रीजन प्रेजेंट होता है जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम देते हैं। फिर आगे चल के हम देखेंगे वो फील्ड कैसे होती है, वो लाइंस की फॉर्म है, कैसे जो है वो एग्जिस्ट करती है। ये नेक्स्ट टॉपिक की बात है, फिलहाल हम यहाँ पे उसकी डायरेक्शन को देखते हैं। तो डायरेक्शन एक्चुअली इस तरीके से होती है, फील्ड की जब हम डायरेक्शन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि अगर वहाँ पे कोई चार्ज प्रेजेंट है ना, तो वहाँ पे फील्ड की डायरेक्शन को चेक करना हो किसी चार्ज के लिहाज से, किसी पॉजिटिव टच चार्ज के लिहाज से, तो हम ये देखते हैं कि जब हमने दूसरा एक चार्ज उस रीजन में रखा तो क्या वो पुश हो रहा है या वो पुल हो रहा है, यानी वो अट्रैक्ट हो रहा है या फिर रिपेल हो रहा है। तो उसकी अट्रैक्शन या रिपल्जन ही डिफाइन करती है उसकी डायरेक्शन को। रिपेल कब होता है, जब हमारे पास सोर्स चार्ज एक्चुअली पॉजिटिव चार्ज हो। हम कहते हैं कि वहां पे एक्चुअली क्या हुआ, रिपल्जन क्रिएट हुई, क्योंकि टेस्ट चार्ज एक्चुअली एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होता है। तो जैसे ही वो टेस्ट चार्ज एक चार्ज के करीब आता है, अगर तो वो चार्ज टेस्ट चार्ज सोर्स चार्ज के करीब आ जाए, इसका मतलब है कि वहां पे अट्रैक्शन हो रही है। लेकिन अगर वो उससे दूर हो जाए, इट मीन्स वहां पे रिपल्जन हो रही है। तो जब वहां पे अट्रैक्शन होती है, उस केस में हम कहते हैं वहां पे पुलिंग फोर्स प्रेजेंट है, वहां पे जो डायरेक्शन है वो आप कहोगे कि टुवर्ड्स द सोर्स चार्ज है। लेकिन या हम कहेंगे कि वो दोनों एक दूसरे के करीब आने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरे केस में क्या होता है कि एक जो सोर्स चार्ज होता है वो दूसरे चार्ज को पुश करता है, वो अपने से अवे उसको मूव करवाता है, जैसा कि हम रिपल्जन के केस में बात करते हैं। तो यही जो अट्रैक्शन या रिपल्जन है, इसको हम प्रॉपर फील्ड के डायरेक्शन के लिहाज से ही कंसिडर करते हैं। हम कहते हैं कि अगर तो वहां पे वो टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है तो वहां से फील्ड लाइन्स एमिट हो रही है, या फील्ड जो है उसकी डायरेक्शन हम ये कहेंगे कि वो टेस्ट चार्ज से अवे है। लेकिन अगर वो क्या हो कि वहां पे वो उससे अट्रैक्शन प्रेजेंट है, ऑटोमेटिकली हम कहेंगे कि वहां पे एक्चुअली वहां पे पुलिंग का केस हो रहा है, यहाँ पे फील्ड लाइंस उसकी तरफ मूव करी, उस चार्ज की तरफ उसे अवे नहीं जा रही बल्कि टुवर्ड्स अ चार्ज मूव करके जा रही है। अब अगर हम कंपेयर करें ना जनरल, अगर हम कहें कि फील्ड कैसे प्रेजेंट होती है या उसका कैसे एक चार्ज के सराउंडिंग में बिहेवियर होता है, तो इसको हम जनरली एग्जांपल्स के थ्रू इस तरीके से कंसिडर करते हैं। हम कहते हैं कि जिस तरीके से एक स्पाइडर वेब क्रिएट करता है, तो क्या होता है कि उसके सराउंडिंग में एक प्रॉपर रीजन बन जाता है, एक आप कहोगे एक स्पेसिफिक रीजन क्रिएट हो जाता है, जिसको हम कहते हैं कि वो एक्चुअली वहां पे उसका वेब बन चुका है। तो हम चार्ज के अराउंड जो फील्ड का बिहेवियर होता है, हम उसको इसी तरीके से कंपेयर करते हैं। हम कहते हैं कि जिस तरीके से एक स्पाइडर के सराउंडिंग में वेब प्रेजेंट होता है, बिल्कुल उसी तरीके से एक चार्ज के गिर्द फील्ड प्रेजेंट होती है। बिल्कुल हम कहेंगे कि जितना वो चार्ज के करीब वाले रीजन है वहाँ पे स्ट्रेंथ एक्चुअली मैक्सिमम होती है, लेकिन जहां तक वो रीजन एक्चुअली प्रेजेंट होते हैं, जनरली यही कॉन्सेप्ट दिया गया है, माइकल फैराडे ने यही कॉन्सेप्ट दिया था कि यहाँ पे जब फील्ड क्रिएट होती है, एक्चुअली हम कहते हैं कि वो फील्ड इन्फिनिट तक मौजूद होती है, या जिस जिस रीजन तक वो उसकी स्ट्रेंथ मौजूद होगी वहां पे हम कहेंगे यहाँ पे उसकी फील्ड जो है वो प्रेजेंट है। कहीं भी मैक्सिमम हो सकती है, मिनिमम हो सकती है। तो जनरली हम कंपेयर उसको इसी तरीके से करते हैं, जिस तरीके से एक स्पाइडर अपनी सराउंडिंग में वेब क्रिएट करता है, इसी तरीके से एक चार्ज अपनी सराउंडिंग में फील्ड क्रिएट करता है। या इसको एक और एग्जाम्पल से हम इस तरीके से कंसिडर कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि अगर कोई लाइटेड बल्ब हो, अगर आप किसी रूम में एक लाइटेड बल्ब को रख दो या कोई छोटी सी कैंडल भी रख दो, तो उससे क्या होगा, उसकी सराउंडिंग में क्या होगी, वो लाइट एमिट हो रही होगी, वहां पे लाइट की रेज प्रेजेंट होगी जो कि स्प्रेड आउट होंगी पूरे रूम के अंदर। तो अब देखो, अगर आप इसी बल्ब को कंसिडर करो, इसकी सराउंडिंग में सिर्फ डार्क है, ठीक है, यहाँ पे उसके उस डार्कर रीजन में एक कोई लाइटेड बल्ब प्रेजेंट है, तो क्या होगा, हम कहेंगे कि एक्चुअली उस बल्ब के करीब में स्ट्रेंथ एक्चुअली ज्यादा है, लेकिन एक खास रीजन के बाद वो स्ट्रेंथ कम हो गई है, वो लाइट कम हो गई है। बिल्कुल इसी तरीके से क्या होता है, हम कहते हैं कि जिस तरीके से लाइटेड बल्ब की स्ट्रेंथ प्रेजेंट होती है उसकी सराउंडिंग में, बिल्कुल इसी तरीके से एक चार्ज के गिर्द भी उसकी स्ट्रेंथ प्रेजेंट होती है फील्ड की, जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम देते हैं। और फील्ड की डिपेंडेंस एक्चुअली किस लिहाज से होती है, जितना एक चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई करेगा वो उतनी ही ज्यादा क्या होगी, वहां पे फील्ड क्रिएट होगी, उतनी ही ज्यादा इंटरेक्शन होती है एक सोर्स चार्ज की टेस्ट चार्ज के लिहाज से, उसको सॉरी उस फील्ड को जितनी भी वो इंटरेक्ट कर रहे हैं दूसरे चार्ज के लिहाज से, उसको चेक करने के लिए हम रिलेशन लेते हैं इक्वल टू क्यू ई या क्यू नॉट ई के फॉर्म में हम इसको एक्सप्रेस करते हैं, यानी अमाउंट ऑफ चार्ज मल्टीप्लाइड बाय उसकी स्ट्रेंथ, यानी वहां पे कितनी स्ट्रेंथ प्रेजेंट है, वो चीज एक्चुअली डिफाइन करेगी वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी प्रेजेंट है। ये तो थी टोटल हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डिस्कशन कि हम उसको किस तरीके से लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और प्लीज आपको वीडियो लाइक अच्छी लगे तो प्लीज इसको लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।